आम सरकार सदा सर्वदा कृषक मानंक साथीरे आम सरकार अहरह कृषि और कृषक मानंकर सर्वांगीन उन्नति करिबा चेष्टारे आम सरकार निरंतर कृषि और खाद्य उत्पादन वृद्धि करिबा लक्ष्यरे मसला आम दैनंदिन जीवनर एक नित्य व्यवहार्य कृषिजात द्रव्य एवं एहार व्यवहार बहुल मात्रारे बढ़िबारे लागिछि मसलार बजार चाहिदा पूरण करिबा लक्ष्यरे आम सरकार तथा सरकारंक कृषि और कृषक सशक्तिकरण विभाग तत्पर होइ उठिबा सांगकु आम राज्यरे मसला जातीय फसल चासकु व्यापक करिबा उद्देश्यरे कृषक मानंकु विभिन्न प्रकारर प्रोत्साहन जोगेइ चालिछन्ति साधारणत आम राज्यर बजार चाहिदा पूरण निमन्ते आमकु विभिन्न प्रकारर मसला बाहरु आमदानी करिबाकु पडुछि कारण आम राज्यर अनेक कृषक मानंकर धारणा जे ए बहुमूल्य मसला फसल चाष आम राज्यर जलवायुरे संभव नुहे कृषक मानंकर भ्रांत धारणा दूर करिबा निमन्ते आमे भुवनेश्वर जाइ पहुंचिलु कोरापुट जिल्लार पटांगी स्थित ओडिशा कृषि और वैषयिक विश्वविद्यालयर उच्च पतन गवेषणा केन्द्र तथा सर्वभारतीय मसला गवेषणा प्रकल्प फार्म्रे साधारणतः मसला जातीय द्रव्यगुड़िक मध्यरे अदा हलदी धनिया लंका गोलमरीच अलैच डालचीनी वैनिला सर्वमसला इत्यादि प्रमुख भूमिका ग्रहण करे आम राज्यर कृषक भाई और भौनी माने विभिन्न प्रांतरे अदा हलदी धनिया लंका इत्यादि चाष तो करती अथच ज्ञान अभावरु गोलमरीच डालचीनी वैनिला सर्वमसला भली मूल्यवान मसला जातीय फसल उत्पादनरु दूरे रुहन्ति सर्वभारतीय मसला गवेषणा प्रकल्प तथा उच्च पतन गवेषणा केन्द्र पटांगीर भारप्राप्त अधिकारी डॉक्टर परशुराम सियाळंक कहिबा अनुजाई गोलमरीच डालचीनी वैनिला तथा सर्वमसला फसल आम राज्यर कौनसी भी स्थानरे बहुल मात्रारे करा जाई पारिबो विशेषज्ञों कहिबा अनुजाई अन्य फसल ठारु मसला जातीय फसल चाष करिबार प्रणाली सामान्य भिन्न मसला जातीय फसलर जत्न नेबा सेथिरे जलसेचन करिबा तथा तार रक्षणाबेक्षण करिबा एक गुरुत्वपूर्ण कार्य एथिप्रति विशेषज्ञमानंकर परामर्शक्रमे यथेष्ट ध्यान देबा उचित विशेषज्ञमानंक कहिबा अनुजाई यदि मसला जातीय फसल चाषकु जैविक पद्धति अवलम्बन करा जाए ताहले सेथिरे रोग पोक कम लागिबा सहित कृषक भाई और भौनी माने यथेष्ट परिमाणरे लाभान्वित हेइ परिबे पर भाइंस रे जो मूल रे आमे 5 केजी गोबर खत दउचु 200 ग्राम भलिया आमे दउचु कोन ना 28 एमएपी दउचु 500 ग्राम भलिया अच्छा आ ताते लाइन भी आमे चून दिया किछ पकोइ छ चून केते लगन दउचु चून 200 ग्राम भलिया आमे पर एवरेज 200 ग्राम भलिया आमे दउ खत संगे मिसे दउचु आ स्प्रे भी संगे रे भी बडू स्प्रे भी करूचु गोलमर्च गच्छ रे आपण ବର୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ବର୍ଷା ପରେ ପରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆମର ତିନି ଥର ସାର ଦେଉଛୁ ପ୍ରି ମନସୁନ୍ ପୋଷ୍ଟ ମନସୁନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ମିଡ଼ିଲରେ ଦେଉଛୁ ଆଉ ବହୁତ ବି ଆମର 19 ଗୋଟେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆମର କରମଣ୍ଡଳର ସ୍ପ୍ରେ ବି ମଝିରେ ମଝିରେ କରୁଛୁ କେତେ ଲେଖାଏଁ କରୁଛନ୍ତି ପର୍ ଲିଟର 5 ଗ୍ରାମ ଆମ ସରକାରଙ୍କ କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ତଥା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ମିଶନ ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମସଲା ଜାତୀୟ ଫସଲ ଚାଷ କରିବାକୁ କୃଷକ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ରିହାତି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ସରକାରଙ୍କ କୃଷି ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମସଲା ଫସଲର ବିହନ
तथा चारा प्रस्तुत करा जाए कृषक मानंकु सुलभ मूल्यरे जोगेई दिया जाउछि। वर्तमान आम कृषि विज्ञान केन्द्र रु 20 जन चाषी को धरी आमर जो मसला गवेषणा केन्द्र पट्टांगी स्थित मसला गवेषणा केन्द्र अच्छी से जगह को आम केमी विभिन्न मसला जितिया जिते अच्छे आम वृक्ष अच्छी कितने मसला जितिया अच्छे चारा केमती मान तार केमती प्रस्तुति करा से विषय आम आम जो ट्रेनिंग अच्छा 20 जन ताकूम देखापी आम इटे आसु तो बर्तमान आम आमर जो स्टेशन रो हेड डॉक्टर परशुराम सियाल सारंक तत्वावधान आम बर्तमान पॉली हाउस भितर आम विभिन्न प्रकार आम जो चारा केमती प्रस्तुत होमती कि गोलमर्च है आमर भानिला है आमर गुजराती है से सब चारा को केमी प्रस्तुत करा से विषय बुले देखा मसला जातीय फसलर उन्नत किस्मर चारा प्रस्तुत निमन्ते ओडिशा कृषि और वैषयिक विश्वविद्यालय कृषि वैज्ञानिक माने निरंतर तांकर प्रचेष्टा जारी रखिछन्ति। अळैच ड्रागन फ्रूट्स दालचीनी सर्व मसला गोलमरीच भली मूल्यवान फसलर विभिन्न उन्नत किस्मर चारा प्रस्तुत करा जाई कृषक मानंकु एक सर्वनिम्न सुलभ दर रे जोगी दिया जाउछि। ए सर्वभारतीय मसला गवेषणा केन्द्र माध्यम रे आमर ओडिसा रे पई आमे अदा हळदी गोलमरीच अळैच चासो पई विभिन्न प्रकार किस्म प्रस्तुत करचु तत्सहित विभिन्न प्रकार मसला जातीय फसल किपरि चाष करिवे सेतिपई मध्य आमर तार जो उत्पादन कौशल आमे बाहर करिकि चासी मानकु जोगाउछु। एही संस्था अधीन रे आमे गोलमरीच चारा बहु संख्या रे उत्पादन करायौछि। एही गोलमरीच रे विभिन्न प्रकार किस्म अछि आम पाखरे 17 प्रकार किस्मर गोलमरीच आमे उत्पादन करिकि चासी मानकु जोगाउछु। कृषक भाई और भौनी माने एभली मूल्यवान मसला जातीय फसल चाष को व्यापक करने निमन्ते आगकु आगे आसिबा उचित। एही चारोटिया मोर अळैच चारा एटा होची जून मासरे आपण लगेबे वर्षा आरंभ हला परे लगेबे आउ एटा होची लगेबार 3 वर्ष परे इथु कुआ फूल बाहर डालचीन चारा यो डालचीन चाराटा जो 8-10 पत्र है समय जून मासरे आपको 50 सेंटीमीटर लंबा 50 सेंटीमीटर ओसार 50 सेंटीमीटर गभीर ऊपर माटी खोल गात खोल ऊपर माटी अलग करदे तल मटीटा अलग करदे कर सारापर ऊपर मटी आपणकर झोड़िए गांडुए गोबर खत ता सहित तो निम पीड़िया अध के जी एवं ट्राइकोडर्मा 50 ग्राम सीडोमोनास 50 ग्राम ता सहित तो आपणकर आजोटोबैक्टर 50 ग्राम आजोस्पोरिनम 50 ग्राम केएमबी 50 ग्राम बायो एनपी एनपीके कंसोर्टियम आजिकल मिललानि सेथिरु 50 मिलीलिटर करके मिसेकी आपको गछटा लगेबे। ये जो गोलमरीच चारा यही भाई अवस्था हला परे आमे जेकोनसी गछ मूल गछ ठारु आपणकर गोटे फुट रु आपणकर 5 फुट गोचे गोटे फुट माने जेकोनसी बड़ छोटिया गछर गछर गोटे फुट किंबा डेढ़ फुट छाड़े आ बड़ गछ हेले आपणकर 3 फुट छाड़े ता सहित जदि गुआ गछ लगाउछन्ति आपणकर 3 फुट छाड़े जदि नड़िया गछ लगाउछन्ति ताहले ताको से गछ ठारु 5 फुट छाड़े 5 फुट छाड़ी गात करिवे डेढ़ फुट लंबा डेढ़ फुट ओसार डेढ़ फुट गभीर गात करिक ऊपर माटी अधा होछि अलग करदे तल माटी अधा अलग करदे आ ऊपर माटी रे आपण गोबर खत गांडुए आउ निम पीड़िया गोटे के जी ट्राइकोडर्मा 50 ग्राम सीडोमोनास 50 ग्राम एनपी कंसोर्टियम 50 मिलीलिटर ता सहित आजोटोबैक्टर 50 ग्राम सीडोमोनास 50 ग्राम
KMB 50 ग्राम PSB 50 ग्राम एसब मिसेकि आपण ताकु गछटाकु लगेबे आउ गछ लगेबा समय रे आपण जेंती गछ मूळटाकु उच्चा रखिबे आउ एइटा होची जून मास जून 15 तारिख रु आरंभ होई कि जुलाई शेष जाय लगेबे तापरे 2 वर्ष पर्यंत ताकु छाई देबे आउ वर्षा छाडी गला परे पानी देबे 2 वर्ष परे आउ या माने प्रति जत्न न नेले मते चलिबो चतुर्थ वर्षर फुल फुट आरंभ कर ये अल स्पाइसे गचटा आपणकर सेमती जमती आपणकर गोलमरच लगे कि डालचीनी लगे से अल स्पाइसे गचमती लगे अल स्पाइसे गच बड़ गच डालचीनी गच भली हम ये डालचीनी गच सरी अल स्पाइसे गचरा आम आपणकर बाड़ी बगिचार जेकोसी गोटे गच लगा अल स्पाइसे गच ये अल स्पाइसे गचटा कौन करिवे ना रोसे सारला परे गोटे किंबा दुईटी पत्र नहीं कि पकई देकि ताकु ढांकी देबे घोड़े देबे घोड़े सारला परे से समस्त तरकारीटा बासिबो तापरे ताकु अपन व्यवहार कर परिवे केही केही चासी गोलमरीच भळी मूल्यवान मसला चास करी कोटी कोटी टंका मध्य उपार्जन करि परुछंती जहां सुनिबाकु अविश्वसनीय हेले मध्य एहा निराट सत्य ଆମର ଯେଉଁଟା ବଡ଼ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭାଇନ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ଯେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ 20-25 KG ଆସୁଛି ପର୍ ଭାଇନ୍ସ ଆଉ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ସ୍ମଲ୍ ଭାଇନ୍ସ ୟଙ୍ଗ ଗଛ 6-7 ବର୍ଷ ହୋଇଛି ସେଗୁଡ଼ା 5 KG ନେଖା ଆସୁଛି ପ୍ରତି ଗ୍ରୀନ୍ 3 KG KG ଶୁଖିଲା ବାହାରି କୃଷକ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ମାଟି ଜଳବାୟୁ ଜମିର କିସମକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଓ କୃଷି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କର ସଠିକ୍ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଅଦା ହଳଦୀ ଧନିଆ ଲଙ୍କା ଭଳି ମୂଲ୍ୟବାନ ଡାଲଚିନି ଭ୍ୟାନିଲା ସର୍ବମସଲା ତଥା ଗୋଲମରିଚ ଚାଷକୁ ବ୍ୟାପକ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ଆସିବା ଉଚିତ ଏଥିନିମନ୍ତେ ଆମ ସରକାର ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ଆର୍ଥିକ ରିହାତି ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଛି।